हेलो एवरीबॉडी, कैसे हम सभी लोग। एज यू नो माय नेम इज यतिन, दिस इज YS ATHING I। नाउ दिस टाइम आई एम टेल यू हाउ टू फाइंड योर स्किन टाइप। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम पे हर ही जगह पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसे में हमारी स्किन की कुछ टाइप इस तरह की होने लग गई है। तो ऐसे में आपकी टाइप इन दो तरह की तो बिल्कुल भी ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता रहना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप है कौन से टाइप की और आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी स्किन टाइप और भी हेल्दी हो पाए। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। पहले ये कि जो आपकी स्किन टाइप है वो वेदर के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑटोमेटिकली ऑयली में चली जाएगी, तो ये जो है वेदर के अकॉर्डिंगली भी फिक्स रहता है। और सेकंड बात ये, जो आपकी जेनेटिक होती है, जो आपकी स्किन टाइप होती है, जो आपका स्किन का कलर होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, आप उसको केयर करके थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके जेनेटिक है, जो आपके मॉम डैड के जेनेटिक है, उनके अकॉर्डिंगली आपका जो फेस की स्किन रहती है उसका कलर रहता है। हम जानेंगे कि हम पता कैसे कर सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप है कौन सी टाइप की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मल फेस वॉश से अपना फेस को वॉश करना है। उसके बाद में गाइज आपको करना क्या है, एक सिंपल ही टिश्यू पेपर को लेना है। फिर उसके बाद को उसके जो आपका हेड होता है, नोज होती है, टीज एरिया होता है, उसे टैप करना है। और टैप करके देखना है कि आपकी स्किन पे जो है कि ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी पता चलता है कि आपकी स्किन टाइप है कौन से टाइप की। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि स्किन टाइप जो है 5 तरह की होती है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्राई स्किन से कि ड्राई स्किन होती किस टाइप की है। ड्राई स्किन, अगर आप फेस वॉश कर लेते हैं, फेस वॉश करने के 10 से 15 मिनट के अंदर में आपके फेस पे जो है ड्राइनेस आने लग जाती है, रफनेस सी आने लगती है। आप उसे टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, उस पर पहले ही बिल्कुल भी सॉफ्टनेस जो होती है वो बिल्कुल भी चली गई होती है। इस टाइप को बोलते हैं ड्राई स्किन टाइप। सेकंड टाइप पे आते हैं ऑयली स्किन टाइप। ऑयली स्किन टाइप, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट पे अभी वीडियो शुरू करते हो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि मैं अभी नहा के आया हुआ हूँ। तो गाइस, इस टाइप की स्किन जो होती है, मेरी स्किन टाइप जो है वो ऑयली स्किन टाइप है। ऑयली स्किन टाइप पे क्या होता है गाइस, जिनकी स्किन टाइप ऑयली होती है उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है 5 से 10 मिनट के अंदर फेस वॉश करने के बाद ही ऑटोमेटिकली। गाइस, ये हो गई हमारी ड्राई स्किन और ऑयली स्किन। अगली स्किन टाइप आती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है गाइस, जो आपका टी ऑफ द एरिया होता है फेस का और जो आपका रेस्ट ऑफ द एरिया होता है, आपके टी ऑफ द एरिया पे जो है ड्राइनेस होगी और जो आपका रेस्ट ऑफ द एरिया होगा उस पर जो है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा। तो इस टाइप की स्किन टाइप होती है आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। नेक्स्ट स्किन टाइप आती है हमारी फोर्थ स्किन टाइप, जो होती है नॉर्मल। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये नॉर्मल स्किन टाइप होती है, ना ज़्यादा ड्राइनेस होती है, ना ज़्यादा ऑयलीनेस होती है। ये सिंपल स्किन टाइप होती है और सबसे बेस्ट स्किन टाइप इसी को माना जाता है। आती है फिफ्थ स्किन टाइप, जो होती है हमारी सेंसिटिव स्किन टाइप। सेंसिटिव स्किन टाइप होती है गाइस, जो आपका रेस्ट ऑफ द एरिया होता है वो ड्राइनेस होता है और जो आपका टी जोन होता है उस पर जो है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। इस टाइप की स्किन टाइप जो होती है वो सेंसिटिव होती है काफ़ी ज़्यादा, उन पर जो है पिंपल्स वगैरह, एक्नेस वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके गाइस, आई होप यू गाइस आपको पता चल गया होगा कि आपकी स्किन टाइप है कौन सी टाइप की। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे आपकी स्किन जो है और भी ग्लो और आप जो है दिखने में और भी स्मार्ट लगे अपने। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जितने ज़्यादा हो पाए शेयर करें मेरी वीडियो को। नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय। सबसे पहले जानेंगे कि आपको पता कैसे चल रहा है। सो गाइस, उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि आपको
काम है गाइस, आपको करना क्या है कि आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और आपका जो टीज एरिया होता है वो नेचुरली चेंज होती रहती है आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी स्किन टाइप एकदम प्रॉपरली फिक्स रहे।